नमस्कार दोस्तों, आप लोग आईआईटी और टेस्ट मैच क्रिकेट दोनों को भली भांति जानते होंगे, पर क्या आप जानते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है? इन दोनों के बीच में सास बहू का रिश्ता है या भाई बहन का रिश्ता है, आखिर क्या रिश्ता है? तो इस वीडियो में हम लोग इसी रिश्ते के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ हम समझने का प्रयास करेंगे टेस्ट क्रिकेट के जरिए ही कि आईआईटी होता क्या है। मेरा मकसद यही है कि आपको बहुत ही सिंपल वे में क्रिकेट की भाषा में आपको समझाया जाए कि आईआईटी क्या होती है, इसकी हम तैयारी कैसे कर सकते हैं, इसको हम रिजल्ट कैसे देंगे। ठीक है, चलो। तो आईआईटी एक टेस्ट मैच की तरह, यदि इसमें ठेठ भाषा में क्रिकेट के लैंग्वेज में तुमको समझाना चाहूँ तो आईआईटी एक क्या है, एक टेस्ट मैच की तरह। ठीक है, टेस्ट मैच में जिस तरह से क्या होता है बाबू, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फाइव डे होता है। ठीक है, उसी तरह से आईआईटी में भी होता है, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12, और उसके बाद फिर प्री, ठीक है, प्री कहो, मेंस कहो, एडवांस कहो, ठीक है, सबको हम एक ही कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो जिस तरह से टेस्ट मैच में होता है वो शुरुआत हमें क्या करनी पड़ती है, अच्छी तरह से करनी पड़ती है। और जिसका शुरुआत अच्छा हो गया तो क्या करता है, यदि कोई टीम है, यदि उसने फर्स्ट डे में, यदि फर्स्ट डे पूरा वो जीत ले तो लगभग 70% टेस्ट मैच वो जीत जाता है। ठीक है, जो फर्स्ट डे अच्छा खेल जाता है तो 70% जो है क्या करता है, वो आप टेस्ट मैच जीत जाता है। क्योंकि फर्स्ट डे अच्छा खेलने से क्या होता है, ये तो उसे मोमेंटम मिल जाता है। ठीक है, और दूसरे से जो विपक्षी टीम को क्या होता है, बैकफुट पर आ जाती है। ठीक उसी तरह से आईआईटी में है, यदि आपने क्लास 9 का शुरुआत अच्छा से कर दिया, जम के पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो आपको आपको एक मोमेंटम मिलेगा, आप उस फ्लो में बहने लगेंगे, फिर आपको आसान लगने लगा कि अच्छा ठीक है, अब हमें मंजिल नजर आ रही है कि जो क्लास 9 को हमने अच्छा से पढ़ लिया। ठीक है, अब उसी मोमेंटम के साथ आप क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 पढ़ते जाएंगे। ठीक है, जिसमें शुरुआत बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। और उसके बाद फिर फर्स्ट डे के बाद फिर यदि आप सेकेंड डे यानी क्लास 10 हो जाता है, ठीक है, थर्ड डे जिसे हम क्लास 11 कहते हैं, फोर्थ डे जिसे कहते हैं क्लास 12 कहते हैं। ठीक है, तो यदि कोई जो है टेस्ट मैच में यदि सेकेंड डे, थर्ड डे और फोर्थ डे अच्छा खेल जाता है, तो पांचवा दिन यदि थोड़ा बहुत खराब भी खेले, कोई बॉलर को चोट भी लग जाए, तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता, वह टेस्ट मैच जीत जाता है। ठीक उसी तरह से है, यदि आप 9, 10, 11, 12 यदि अच्छा से पढ़ लें, तो जो मेन एग्जाम है उस साल यदि थोड़ा बहुत यदि आपको 19-20 ऊपर नीचे हो भी जाए, तब भी आप आराम से आईआईटी को निकाल सकते हैं। ठीक है, पूरे अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, मगर आप निकाल सकते हैं। ठीक है, और यदि आप सोच रहे हो कि हमने फर्स्ट डे सेकेंड डे या खराब खेला हूँ, सुने कभी फर्स्ट डे और सेकेंड डे कोई टीम खराब खेली उसके बाद फिर टेस्ट मैच जीत गई, हाँ ऐसा होता है, दूसरे को हम क्या कहते हैं, मिरेकल कहते हैं। जैसे हेडिंगली में बेन स्टोक्स ने किया था, उसमें इंग्लैंड ने क्या किया, क्या हुआ था, वो इंग्लैंड ने 67 रन पर पहले इनिंग में ऑल आउट हो गई थी। इंग्लैंड की जो टीम थी क्या थी, 67 रन पर ऑल आउट हो गई। फिर उसके बाद फिर बेन स्टोक्स ने उस टेस्ट मैच को जिता दिया था, ठीक है, जिसमें उसने आखिरी विकेट में लगभग 90 रन जोड़े थे आखिरी विकेट के साथ। ठीक है, तुम सब लोग जानते हो यदि क्रिकेट के फैन हो तो उसे हम क्या कहते हैं, मिरेकल कहते हैं। वो कभी कभी वंस टाइम इन जनरेशन होता है। ठीक है, तो कभी कोई 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 स्टूडेंट ऐसा होते हैं जो 9, 10, 11 में अच्छा से नहीं पढ़े और डायरेक्ट आईआईटी क्वालिफाई कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मैंने टेस्ट के जरिए, मैच के जरिए आईआईटी को समझाने का जो मेरा प्रयास था वो सफल रहा होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि हम आईआईटी क्या है, आईआईटी का हम कैसे तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, टाटा बाय बाय।